अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं फ्रीलांसर। आज हम बात करने जा रहे हैं कोपा के बारे में। कोपा जो है, अभी रिसेंटली यूट्यूब ने एक अपना नया रूल बनाया है जो कि चिल्ड्रन की प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए है। आप कोपा का एब्रिविएशन के बारे में बात करें तो कोपा है चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। और वाज रहे कि जब एक्ट साथ लग गया तो एक लॉ बन गया। ये क्या चीज़ है? इसमें यह है कि आपको अपनी वीडियोज़ को मार करना है कि ये तमाम किड्स के लिए जो है वो सूटेबल हैं और या सूटेबल नहीं है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतनी बड़ी ओकी साइंस नहीं है कि आपको कैसे करना है। आपको वीडियो का प्रोसेस जो है वो बता दिया जाएगा अभी आगे वीडियो में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और टुडे मॉर्निंग आई रिसीव दैट ईमेल और आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो एंड अपलोड। अच्छा, आप अपना कोपा एक्टिव करने के लिए चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके लिए आप अपना पूरा चैनल जो है उस पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं और या अपनी वीडियोस पे कर सकते हैं। कुछ कुछ वीडियोस आपकी ऐसी होती हैं जो कि चिल्ड्रन के लिए होती हैं, कुछ वीडियोस नहीं होती। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो कंप्लीट बच्चों के लिए हैं, कुछ चैनल हैं जो बच्चों के लिए नहीं हैं। तो उसमें कुछ वीडियोज़ जो हैं वो बच्चों के लिए हैं, कुछ पूरे चैनल भी बच्चों के लिए हैं। जिनके पूरे पूरे का पूरा चैनल ही बच्चों के लिए है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उनको जो है वो उन पे एड्स कम हो जाएंगे, उनकी इनकम कम हो जाएगी। और जिनका चैनल जो है वो मिक्स है तो अपनी जो वो वीडियोस जो कि बच्चों के लिए हैं उन वीडियोस पर वो मेंशन कर देंगे कि ये बच्चों के लिए हैं। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि बच्चों के वीडियोस पे जो एड्स आते हैं वो ऐसे एड्स आएंगे जो बच्चों के लिए सूटेबल हों, तमाम एड्स नहीं आएंगे। समटाइम आप यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ बैठे होते हैं या आप बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे एड्स आ जाते हैं जो कि आप देखना पसंद नहीं करते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए YouTube ने एक बड़ा ज़बरदस्त लॉ बनाया है, क्योंकि जो अडल्ट है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में देखें तो जो है 18 ईयर्स का जो है वो अडल्ट है, उसकी एड आ जाए देन इट इज़ फाइन बट इज़ नॉट गुड। बट और अगर देखा जाए दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में अडल्ट का जो है वो रिकॉर्ड और अडल्ट जो एज है वो मुख्तलिफ है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोपा बनाया गया है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कोपा एक्टिव कैसे कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब जो है वो ऑनलाइन अपना जो उसका सिस्टम है, यूट्यूब ख़ुद भी इसको जो है वो फ़िल्टर करेगा, कोपा देखेगा कौन सी वीडियोस जो है सूटेबल हैं, कौन सी वीडियो सूटेबल नहीं है, कौन सी वीडियोस बच्चों के लिए हैं उन पर जस्ट बच्चों की एड्स आनी चाहिए, कौन सी वीडियोस जो है वो कोपा के अंडर नहीं आती। लेकिन यूट्यूब ने रिक्वेस्ट की है, ईमेल की है कि इट इज़ वेरी बेटर कि आप लोग खुद मेंशन कर दें कि हमारी वीडियो ये वाली वीडियो जो है वो कोपा के अंडर आती है, कोपा के अंडर नहीं आती। और अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो यूट्यूब इसको कर लेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उससे मिस्टेक हो सकती है, मशीन है, मशीन मिस्टेक कर सकती है। आप अपनी वीडियोस को खुद मैनुअल रिव्यू करके आप अपनी वीडियोस को ऐड कर सकते हैं कि ये कोपा में आती है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि आपने कैसे अपने चैनल पर जाके कोपा को एक्टिव करना है। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और टेक केयर।
जी होपफुली आपने वीडियो देखने के बाद आपने अपने चैनल पे वो जो है कोपा उसको एक्टिव कर दिया होगा। आपने सेटिंग्स पे जाके, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया है, सेटिंग्स पे जाके आप उसको मेंशन कर दें कि टिक कर दें, क्लिक कर दें कि ये वीडियो जो है सूटेबल फॉर किड्स और नॉट सूटेबल फॉर किड्स, और दिस वीडियो फॉर किड्स और नॉट फॉर किड्स। तो उसमें ये होगा कि जो एड्स होंगी वो लिमिटेड होंगी और एड्स जो है अप्रोप्रिएट होंगी, मुनासिब एड्स आएंगी। और ये नई पॉलिसी है, दिन ब दिन यूट्यूब जो अपनी पॉलिसीज चेंज करता रहता है, ये यूट्यूब का एक एक्ट है। तो हमें यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए हमें इनके तमाम यूट्यूब के जो तमाम एक्ट्स हैं उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।